छिलावड़ा आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। घर हर इंसान का सपना होता है, पर क्या आप जानते हैं वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार घर को लेने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि दिशाएं आपके लिए क्या कहती है। वास्तु के नियम के अनुसार घर की पसंदगी से पहले देखा जाता है स्लोप, हाइट, डायमेंशन, लॉट, घर का नंबर और परिवार के लिए सबसे लकी दिशा। वास्तु के नियम के अनुसार घर आपकी लाइफ को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आइए लेते हैं और ज्यादा जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु लिविंग के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आज हम इंडिया अहमदाबाद गुजरात और राजकोट में हैं। आपके लिए जिसे हम कह सकते हैं कि घर हो एक सपनों का, उस तरह की साइट संवेदना हाइट्स राजकोट में हम आपको संवेदना के हर तरह के पहलू
दिखाने के लिए यहाँ पे वास्तु लिविंग की पूरी टीम की ओर से, पूरे क्रू की ओर से हम यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे पहले हम मुलाकात करेंगे इस साइट के ओनर, जिसका ये सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, मिस्टर राजेश दफ्तरी से। तो उन्हीं के इनविटेशन पे हम आप सभी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर राजेश दफ्तरी से, आइए। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार, वेलकम, कैंचो। बस बहुत ही सुंदर जगह है, काफी शांति यहाँ पे फील होती है। दिसंबर महीना होते हुए भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। राजकोट में एकदम पीसफुल जगह ही है, क्योंकि यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में ठंड बहुत कम पड़ती है और एकदम एटमॉस्फेयर मस्त रहता है। संवेदना हाइट के लिए स्पेशल इस जगह के सिलेक्शन में वास्तु के नियम के अनुसार लॉट की पसंदगी तो आप हमेशा करते ही हो हमारे साथ रहकर, लेकिन इस जगह को सिलेक्ट करने के लिए और भी कोई खास तरह की वजह है? हाँ, यहाँ का एक बहुत खास खूबी ये है, ये राजकोट में बहुत दिसंबर महीने में बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। यहाँ पे ठंड बहुत कम रहती है और दिसंबर जनवरी महीने बहुत अच्छा रहता है। और ये कालावड़ रोड पे मैंने प्रोजेक्ट इसलिए पसंद किया क्योंकि ये कालावड़ रोड विजयपथ रोड नाम दिया है और यहाँ सबसे ज़्यादातर हॉस्पिटलें हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेज भी है, स्कूल भी है और होटल भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे थिएटरों भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए काला रोड पे ये प्रोजेक्ट पसंद किया है। दूसरी एक चीज़ ये है कि मैं वागुदा रोड पे क्यों पसंद किया, क्योंकि यहाँ न्यारी डैम नज़दीक है। अच्छा। तो न्यारी डैम से फ़ायदा ये है कि यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि राजकोट सिटी के अंदर पानी का प्रॉब्लम बहुत रहता है। बहुत अच्छी बात है, पूरे राजकोट में पानी की प्रॉब्लम रहते हुए आपकी साइट लोकेशन इस तरह की है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को 24 आवर्स पानी की सुविधा मिलती है और पानी की कोई परेशानी यहाँ पे ज़रा सी भी फील लोगों को नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है। संवेदना के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि राजकोट में रहने वाले हर इंसान को ये पता है कि उसकी सक्सेस में आज तक 4 बिल्डिंग बन चुके हैं। संवेदना 1, संवेदना 2, 3 और 4 अभी तक कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल हम जहाँ से बात कर रहे हैं उसका नाम है संवेदना हाइट्स 5। यहाँ तक की सक्सेस की स्टोरी में राजेश जी डेवलपर्स बहुत अच्छे बन चुके हैं और यहाँ पर आके उन्होंने एक नए तरीके की साइट का डिज़ाइन किया है। राजेश भी, किस तरह के आपका क्लाइंटेज आज तक रहा हुआ है? हाँ, मेरा क्लाइंट यूके और दुबई में बहुत ज़्यादातर है और इंडिया में भी है और एनआरआई ज़्यादा है, इसलिए तो आप एनआरआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर बना? हाँ, ऐसे बनाए और स्मार्ट होम बनाया। संवेदना हाइट्स आज तक इंडिया, लंदन और दुबई में बहुत पॉपुलर है और आज मुझे वास्तु लिविंग के माध्यम से मुझे यूएसए में आप सब लोग को मिलने का मौका मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने वास्तु के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए स्पेशली ऑरलैंडो फ्लोरिडा यूएस से आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आप अपने सक्सेस की स्टोरी हमें बता रहे हैं और जिस तरह का प्रोजेक्ट आपने किया है। मैं वास्तु लिविंग के शो की वजह से काफ़ी तरह के अलग अलग कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी जगह पे ऑन साइट लोकेशन पे जाती हूँ। इस प्रोग्राम को फॉलो करने वाले लोगों को जानकारी है, वो अपने अलग अलग साइट पे हमें बुलाते हैं, बट ये एक खास साइट है और संवेदना हाइट की स्पेशलिटी और यहाँ पे होने वाली यूनिक चीज़ों को बताते हुए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने वाले और रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को वास्तुशास्त्र के नियमों को पालन करने के लिए सबसे पहले जब कभी लॉट की पसंदगी होती है वहाँ से वास्तु की शुरुआत होती है। हर आदमी के नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वहाँ पे बिजनेस करने वाले पर्सन को कंस्ट्रक्शन साइट के डायरेक्शन के बारे में वास्तुशास्त्र में बताया जाता है। और इसी के साथ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी वजह से अगर आपने साइट सिलेक्शन कर दिया हो और उसके बाद भी आपको वास्तु के नियम अप्लाई करने हो तो भी ऑप्शन आपके पास काफ़ी रहते हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, यूटिलिटी डिटेल, स्ट्रक्चरल लेआउट, एलिवेशन ड्राइंग, आप अपने बिजनेस के लिए जो भी ब्रोशर बनाते हैं, बिजनेस कार्ड, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है वास्तु के नियमों के अनुसार।
सारी चीज़ को मिलाने से सक्सेस आसानी से मिलती है। आज मेरा एक क्लाइंट रमेश भाई आया हुआ है, वो आप यूएसए से आई है, तो आपको मिलने के लिए उसके बहुत तलब है, तो आप बोलिए तो उसको मैं जरूर, आप उनको जरूर बुला सकते हैं। जी जरूर। रमेश जी, वास्तु लिविंग के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वास्तु शास्त्र या वास्तु लिविंग के प्रोग्राम के बारे में कुछ और भी जानकारी रखते हैं? मैं यूट्यूब में चैनल से ये आपका प्रोग्राम बार बार देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। रमेश जी, आप वास्तु शास्त्र के बारे में नॉलेज रखते हैं, वास्तु लिविंग के प्रोग्राम को यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, आपने अभी बताया कि आप संवेदना हाइट में यहाँ पे आए राजेश भाई के थ्रू हमसे मिलने के लिए, तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि इससे पहले या संवेदना हाइट को सिलेक्ट करने के बाद क्या फीलिंग हुई, किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े? इसके बारे में मैं जो बताऊँ तो उससे पहले संवेदना बनने में रहने के पहले जो आया था जी, जो वहाँ रहता था जी, यहाँ से ये मेरे को संवेदना मन बहुत बढ़िया। आप इससे पहले कहाँ पे रहते थे? मैं उससे पहले मिलपरा राजकोट में एक एरिया है जी, वो एरिया में रहता था। अच्छा, वहाँ भी दो बेडरूम और किचन का फ्लैट था। अच्छा, राजेश्वर जत्र ने जो बनाया है संवेदना है वो भी बहुत, दो बेडरूम और किचन का है, मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। मेरी एक इच्छा ही थी जी, जब ये अपार्टमेंट बन रहा था जी, तो मेरे रास्ते में आता है जी, जो मैं घर से ऑफिस से जाता हूँ तो मेरे रास्ते में आता है ये एरिया, और एक बार मेरे को यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ भी एक अपार्टमेंट बन रहा है। तो कौन सी साल में ये सब बातें आपको पता चली? 2010 के आस के पास, 2010 की बात है। अच्छा, 2010 में यहाँ से मैं गुजरता था मेरे घर से, तो ऑफिस जाता था जी, ऑफिस जाने के बीच में ये रास्ते में आते हैं मेरे को जी, तो मेरे को मालूम पड़ा यहाँ भी एक अपार्टमेंट बन रहा है, चलो देख तो लो। मैं ऑफिस जाने का टाइम थोड़ा ब्रेक दिया और वो मां देखने के लिए गया, लेकिन वो टाइम पे साइट ही देखते मैंने चला गया, क्योंकि मेरा था ऑफिस का टाइम हो गया था। अच्छा, थोड़ी बार मैंने मालूम पड़ा मेरे को कि राजेश्वर दफ्तर और उसका टीम वहाँ हाजिर है, बैठे हुए बाजू में बैठे हुए। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी औपचारिक मुलाकात मैंने ले लिया। अच्छा, राजेश भाई की, और मैंने मेरा थोड़ा अभिवाद दिया कि मैं भी जहाँ अभी मैं जहाँ रहा हूँ रह रहा हूँ वहाँ से मेरे को चेंज करके थोड़ा आगे आना है, ऑफिस मेरे को नज़दीक पड़े। अच्छा जी, मैं जो पहले रहता हूँ वहाँ से यह ऑफिस मेरे को नज़दीक पड़ती है और एरिया भी थोड़ा बढ़िया लगा मेरे को जी, और सिचुएशन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मेरी इच्छा बताई राजेश भाई को। ठीक है, राजेश भाई बोला अब तो अभी ऑफिस जा रहे हैं, आपका टाइम हो गया, मेरे को इवनिंग में मैं आपको कॉल करके बोला देता हूँ, टाइम देता हूँ, इच्छा बताई मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, मेरे को ये कारण से एक दो कारण बताया मैंने, एक तो मेरा ऑफिस भी नज़दीक पड़ता है, वो एरिया में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता वहाँ एरिया से, मैं थोड़ा नज़दीक आना चाहता हूँ, और राजेश्वर ने मेरी जो इच्छा में जो मेरी तमन्ना थी वो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेरे को फाइनेंस का। अच्छा, मैंने वो जो बेच रहा था अगला अपार्टमेंट और राजेश भाई का जो खरीदना चाहता था, थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम मेरे को हुआ था। यानी कि जो घर आप बेच रहे थे और जो आप दूसरा राजेश भाई की साइट में खरीदने वाले थे, दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल गैप था। ये प्रॉब्लम मैंने राजेश भाई को बता दिया। अच्छा, तो राजेश भाई ने बोला ठीक है, आपका प्रॉब्लम मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और उसने मेरे को हेल्प रूप बना फाइनेंस का जो प्रॉब्लम था इसमें, वो हेल्प रूप बना मेरे को कहीं से कहीं तरफ से, और मेरी इच्छा बहुत अच्छी इच्छा थी मेरी वो समझना इसने रहने की, और उसने सहयोग से राजस्थान दफ्तरी का सहयोग से पूरी हो गई मेरी इच्छा, और आज मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं वो शायद देखने के लिए जाता था तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे को मालूम भी पड़ा कि राजेश भाई जो ये अपार्टमेंट बना रहा है इसमें जो मटेरियल यूज करा है टॉप लेवल का। क्या बात है, टॉप लेवल का। अच्छा जी, सुना भी मैंने आजू बाजू में और समझा भी मैंने जी।
मेरे को अच्छा है, मेरे लिए मैं खुश नसीब हूँ, जो ये ऐसा अपॉइंटमेंट मेरे को देने की इच्छा जो है वो खत्म होगी, बाद में हमारा काम पूरा हो गया राजेश का सहयोग से। और मैं आज सात साल से ये अपॉइंटमेंट में रहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत खुश हूँ। कैसा एटमोस्फियर है संवेदना का, पीसफुल, सेफ्टी वाइज कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो मतलब जो हमको सुविधा दिए है। जी जी, जैसे एक दो चार बात बताऊँ तो पीओपी दिया है, इंटरकॉम टेलीफोन दिया है, अच्छा सोलर सिस्टम दिया है, आरओ प्लान दिया है, सब सुविधा हमको दिया है, बहुत खुश है। मैं तो खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है, और सब जो समझता है अपॉइंटमेंट में रह रहा है वो भी बहुत खुश है। संवेदना हाइट्स पूरे इंडिया की और गुजरात की एक स्पेशल यूनिक हाइट है, जिसमें कुछ खास तरह के फीचर्स और नए नए अट्रैक्शन दिए गए हैं। तो आपके घर में जो परिवार में जो फैमिली मेंबर में जो गेस्ट वगैरह आपके घर में आते हैं, तो उनका अप्रोच, उनका अभिप्राय इस घर के बारे में क्या रहता है? बहुत अच्छा रहता है जी, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। अच्छा, अपने आप से बोल लेता है, क्या बढ़िया है, कितनी सुविधा दिया है। अच्छा, पहले से दिया है, सबको दिया है, हम बहुत खुश हैं। जो आते हैं गेस्ट आते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, अब भी लगती है आपको ऐसा अपॉइंटमेंट मिल गया। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, सुनंदा वाणी। संवेदना हाइट्स के बारे में हमने मिस्टर रमेश जी से बहुत सारी बातें जानी, राजेश दफ्तरी ने किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया, स्ट्रक्चरल लेआउट किस तरह से डिज़ाइन किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि रमेश जी ने घर लेने से पहले जब रिसर्च किया, आसपास में सब जानकारी इकट्ठी की, तो उन्होंने सबसे पहले इस जगह को सिलेक्ट सिर्फ इस वजह से किया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो क्वालिटी जो यूज़ की गई है वो सारी सबसे नंबर वन बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं, सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है, हर तरह की सिक्योरिटी का ध्यान रखा हुआ है। जो भी तरह की सुविधा आम आदमी को अपने घर खरीदने से पहले अपनी ज़िंदगी में आसपास चाहिए वो सारी सिर्फ संवेदना की छत के नीचे अवेलेबल है। तो हर तरह की छोटी मोटी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है, और इसी वजह से शायद रमेश भाई दो बेडरूम के किचन में रहते हुए वापस उन्होंने संवेदना के अंदर वही दो बेडरूम किचन का सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि पुराने घर से नए वाले घर के अंदर जो फीचर्स उसमें डाले गए थे वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि उनका परिवार ये सारी चीज़ों से बहुत ही खुश है। ये एक बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन आपकी सारी बातें सुन के रमेश भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम अमेरिका से यहाँ तक संवेदना हाइट की साइट तक पहुँचे हुए हैं तो क्यों ना जाके घर की यानी कि सिंपल हाउस या जो भी तरह की व्यवस्था हो उसको हम अपने प्रेक्षकों को, हम अपने दर्शकों को बताएं और ये वो जाने कि संवेदना हाइट खास किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए एक और वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे ड्रीम हाउस यानी कि संवेदना के सैंपल होम के अंदर, या फिर कुछ ऐसे घर जो शायद फ्यूचर आपका भी हो सकता है। तो आप इस प्रोग्राम के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि संवेदना के हर कॉर्नर को आपको दिखाया जाए, और पता नहीं शायद इस प्रोग्राम के माध्यम से संवेदना को देखने के बाद आप अपना अप्रोच, आप अपना फीलिंग इस प्रोग्राम के ईमेल एड्रेस पे आप हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम आपको इसके साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पल्लवी छेलावड़ा, नमस्कार, शुक्रिया। एक रात।